एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके जोर से जयकारा बोलेंगे सभी भक्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज लास्ट दिन है, ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलने में कंजूसी ना करो। हाँ आप लोग बोलोगे नहीं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसा रंग दिखाओ भक्ति का कि हम भी याद करें। और तेज बोल दो, चांदनी में छेद है। खैर इतनी तेज तो नहीं बोल पाएंगे, तो इतनी तेज ना बोल भाई, इतनी तेज तो बोल बोल सराय तक भाई पहुंच गए। क्या सराय तक बात तो पहुंच गई, गांव तक पहुंच जाए इतनी काफी है, पूरे गांव में तो पहुंचतना है पांडाल से बाहर। सो तो पहुंच जाते तो बुलवाओ एक बार, जब विनती है बहुत अच्छा बोल लेते, बुलवाओ तुम ही बुलवाओ। सभी भक्त ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएंगे, माताएं बहनों बेइज्जती नहीं करवा, उठाए ले हाथ। अहन ऊंचे हाथ उठाओ, कोई देखे आज चुड़ियां अच्छी पहन के आई। बोलिए माता बिहारी लाल की। भैया लोग आधे नहीं बोले, आधे पड़े ऐसे करके बैठे भैया, स्टाइल तो देखो। कोई दिक्कत ना भी, आधार कार्ड कोई वो बात चिंता। और इते देखो पंडाल में, और हमसे पूछो हम तो ऐसे ही बैठे रहते। आज तो उन्हें बहानों में लेगा जाए तरीका सामने ऐसे घोड़े कर ले भैया। हम तो हिलते उन्हें इते उते, लेकिन तुम्हें तो सुनाया तो बिल्कुल। हाँ देखो हम ज्यादा कहना नहीं चाहते, वैसे बुलवाने का तरीका तो है भैया, बुलवाने का तरीका तो है, लेकिन कहना नहीं चाहते। क्या फायदा, कहीं नाराज हो गए परीक्षित महाराज, तो वैसे ही नाराज बैठे रहते। तो कहीं नाराज है तो वो कायम, हमें तो ऐसा ही लगता रहता है कि महाराज परीक्षित हमेशा गुस्सा में रहते हैं। अच्छा हाँ, ध्यान से भागवत, वो तो बात सही है। एक बार की एक बात बताएं, संत महात्मा बड़े चालाक होते हैं, और भैया पे तो संत महात्मा ही भगवान के भक्त हैं, बड़े चालाक होते हैं। एक बार एक महात्मा जी गांव में आए, तो एक बूढ़ी बाड़ी अम्मा रहे, उन्होंने मन में विचार किया संत महात्मा रोजाना तो नहीं आते हैं, तो बड़े दिनों के बाद आए हैं, तो हम इनका सम्मान